जी हाँ दोस्तों, आप सभी ये जान चुके हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने अपनी क्लास 10th की जो एग्जाम बोर्ड के होने वाले थे उनको रद्द कर दिया है और क्लास 12th के जो एग्जाम बोर्ड के होने वाले थे उनको स्थगित कर दिया है, यानी कि पोस्टपोन कर दिया गया है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि NIOS बोर्ड अपने छात्रों के लिए क्या डिसीजन लेकर आएगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत से लोग हैं जो कि सीधा अपने आप ही डिसीजन ले लिया है कि हाँ आप जून में तो एग्जाम नहीं होंगे और NIOS बोर्ड के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का बोलना यह है कि जून में जो है NIOS बोर्ड अपने एग्जाम कराएगा, किसी भी स्टूडेंट को प्रमोट नहीं होने दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि हम इस तरीके की कोई भी बात इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं कि हम अपने आप से ही कोई डिसीजन ले लें और आपको बता दें और उसके बाद जो है 2 या 3 महीने बाद सिचुएशन कुछ और ही हो और परिणाम भी कुछ और हो। तो ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे हम। यहाँ पे बात करेंगे लॉजिक की, कि लॉजिक में जब हम बात करते हैं तो कि अगर ये सिचुएशन हुआ तो ऐसा होगा और अगर ये सिचुएशन नहीं हुआ तो ऐसा होगा, उसको लेकर यहाँ पे बात करेंगे, ना कि अपना कोई यहाँ पर डिसीजन सुनाने वाले हैं कि अब तो आप प्रमोट हो जाएंगे या फिर आप प्रमोट नहीं होंगे। तो आज के मेरे पूरे इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि इतने सारे जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं मेरे को पता है कि आप सबको डाउट हो रहा है और ऐसे में डिस्टर्ब भी हो जाते हैं कि हम पढ़ाई करें या ना करें। तो इस चीज को लेकर मेरा ये आज का वीडियो है। बिना स्किप करे थोड़ा सा टाइम देके लास्ट तक देख लीजिए, एक बार में सारा डाउट क्लियर कर लीजिए ताकि आपको जो है बार बार इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछने पड़े। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई और मैं हूं NIOS एक्सपर्ट। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है NIOS के उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स ने अभी जून में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक जो है यहाँ पे दुविधा हो गई है कि क्या हमारे जून में एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे या हमें प्रमोट कर दिया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सिचुएशन की आने वाली, यानी कि अनुमानित जो हमारी सिचुएशंस हैं उसमें क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पर CBSE बोर्ड को थोड़ा सा पैनी नज़र से अगर हम देखें तो उन्होंने अभी क्या करा है, उन्होंने 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स को रद्द किया है लेकिन 12th को नहीं किया है। 12th के लिए उन्होंने 1 जून को एक रिव्यू मीटिंग रखी है, जिस रिव्यू मीटिंग में ये डिसीजन लिया जाएगा कि आगे 12th को एग्जाम करवाने हैं या फिर 12th के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करना है, उसको लेकर अभी कोई बात नहीं करी है, लेकिन इन दोनों सिचुएशन में से एक होगा। अब हम बात करते हैं दोनों सिचुएशन की। पहली सिचुएशन, अगर CBSE बोर्ड ये कहता है कि जून में जो मीटिंग हो रही है कि हम आने वाले समय में 15 दिन बाद या फिर 20 दिन बाद या फिर जुलाई में हम जो है CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम कराएंगे और जो है क्लास 12th के एग्ज़ाम होंगे, हर एक स्टूडेंट उस एग्ज़ाम को देगा, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो NIOS ओपन बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास 10th के हैं चाहे वो क्लास 12th के हैं, उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हालांकि ये उनके लिए बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ अगर CBSE जुलाई में एग्जाम लेगा तो उनका जो एग्ज़ाम होगा NIOS का वो अगस्त में पोस्टपोन हो जाएगा, लेकिन अगर क्लास 12th का एग्ज़ाम हुआ तो NIOS का भी क्लास 10th और 12th का दोनों का एग्ज़ाम होगा। तो इस भ्रम में मत रहिए कि आपको 100% अब आप भी प्रमोट होने वाले हैं। चाहूंगा मैं भी यही कि ये बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि अप्रैल में एग्जाम होने थे, अप्रैल के बाद 2 महीने इसको पोस्टपोन कर दिया गया जून, और फिर अभी आगे 2 महीने जाएगा अगस्त में, फिर उसके बाद 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो इन स्टूडेंट के तो 6 से 7 महीने इसी तरीके से खराब हो रहे हैं। मैं भी नहीं चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन आ जाए और स्टूडेंट्स को इतना लंबा जाना पड़े। दूसरी सिचुएशन में बात करते हैं, अगर 1 जून को जो रिव्यू मीटिंग होगी CBSE बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसमें अगर ये पाया जाता है कि अभी कोविड की सिचुएशन ने सामान्य नहीं हुआ है देश भर में और अभी भी बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है या कर्फ्यू चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्लास 12th के CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। अब किस बेसिस पे प्रमोट करेगा वो CBSE बोर्ड ने डिसीजन लेना है, चाहे वो प्री बोर्ड के बेसिस पे करे या इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे करे, तो CBSE बोर्ड क्लास 12th को भी प्रमोट करेगा। और जहां अगर क्लास 12th का CBSE बोर्ड का प्रमोट करने का ऑर्डर आता है तो साथ ही साथ में NIOS के भी ओपन बोर्ड के चाहे क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा। उनको प्रमोट करने का तरीका ये रहेगा कि जो उनके TMA के मार्क्स हैं उस TMA के मार्क्स पर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, या फिर जो TOC वाले स्टूडेंट्स हैं तो जो उनके पास सब्जेक्ट्स हैं TOC उनके एवरेज सब्जेक्ट के बेसिस पे कर दिया जाएगा, या फिर जो ऑन डिमांड स्टूडेंट्स हैं उनके जो पिछले सब्जेक्ट पास हैं उनके बेसिस पे उनको मार्क्स दिया जाएगा, जिस तरीके से लास्ट ईयर किया गया था।
और साथ साथ में स्टूडेंट को विकल्प दिया जाएगा कि अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो आने वाली कोई भी परीक्षा है उसमें बैठकर आप जो है अपने जो मार्क्स हैं उनको सुधार सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है, इसमें मैं तो यही चाहूंगा भलीभांति तौर पे कि अगर नॉइस बोर्ड जून में एग्जाम नहीं करा रहा है तो बहुत ही बिना सोचे समझे बिना सीबीएसई के किसी डिसीजन के आने के मेरी ख्याल से हमारे शिक्षा मंत्री जी को ये सोच लेना चाहिए कि हम लोगों को एनआईएस बोर्ड के उन स्टूडेंट्स को भी प्रमोट कर देना चाहिए क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स को, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और अब आगे जाके भी उनको एडमिशन्स लेने हैं, तो ऐसे टाइम पर और लंबा ना खींचते हुए इन स्टूडेंट्स को बहुत ही आराम से टीएमए के बेसिस पे जो है इनको प्रमोट किया जा सकता है। तो मेरी भी गुजारिश यही रहेगी और हम लोगों का अभी जो आगे हम लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी बात ऊपर तक पहुंचा सके, तो उनको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपको प्रमोट कर दिया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी पता चल सके और लोगों को भी मिल सके, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो है ये जो वीडियो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोगों तक आपकी और हमारी बात जा सके।